हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल श्री स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो आप वीडियो को विदाउट स्किप किए हो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए देख लेते हैं आज के सारे क्वेश्चन को। तो आज का हमारा फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन है, असम राज्य की खेल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन ए है हमारा हिमा दास, ऑप्शन बी है मानुषी छिलर, ऑप्शन सी है साइना नेहवाल, ऑप्शन डी है सानिया मिर्जा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमा दास। हिमा दास को जो है असम राज्य की खेल के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए हमारा विराट कोहली, ऑप्शन बी है ब्रेटली, ऑप्शन सी है रिंकी पोटिंग, ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन डी है क्रिस गेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रेटली। ब्रेटली को जो है स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। और ब्रेटली जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज है। ब्रेटली कौन है? ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट कंपनी का जो है नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यहाँ पे फोर ऑप्शन मेंशन है। ऑप्शन ए है हमारा जसवीर सिंह, ऑप्शन बी है सुखवीर सिंह, ऑप्शन सी है हमारा रजत कपूर, ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रजत कपूर। रजत कपूर को जो है प्रोडक्ट कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिडास की जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ऑप्शन ए है मैरी कॉम, ऑप्शन बी हमारा साइना नेहवाल, ऑप्शन सी है सानिया मिर्जा, ऑप्शन डी है मानुषी छिलर। तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मानुषी छिलर। मानुषी छिलर को जो है एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और एडिडास जो है जूता बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर है या साइना नेहवाल है या सानिया मिर्जा है या इनमें से सभी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, करीना कपूर जो है पूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर है। और पूमा जो है पूमा जो है जूता बनाने वाली क्या है, कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीबॉक की जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वरुण धवन, कैटरीना कैफ या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वरुण धवन एंड कैटरीना कैफ दोनों लोग जो है रीबॉक की ब्रांड एम्बेसडर है। तो राइट आंसर हम ऑप्शन सी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JBL के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हिमा दास है, प्रियंका चोपड़ा है या सानिया मिर्जा है या सारा अली खान है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सारा अली खान जो है JBL के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मध्य प्रदेश राज्य के जो है ब्रांड एम्बेसडर है वो गोविंदा है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? गोविंदा, विराट कोहली, सानिया मिर्जा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सानिया मिर्जा को तेलंगाना राज्य के जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य का जो है नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ए आर रहमान को जो है सिक्किम राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये जो है सिंगल एम म्यूजिक प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य की जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो त्रिपुरा राज्य की जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो दीपा कर्माकर बनी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग गॉड कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जो है लिविंग गॉड कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, और सौरभ गांगुली जो है वर्तमान में बी सी सी आई के जो है अध्यक्ष भी है। और लिविंग गॉड जो है मास्क बनाने वाली कंपनी है, ये जो इम्पोर्टेंट है। लिविंग गॉड जो है कैसी कंपनी है? तो मास्क बनाने वाली कंपनी है लिविंग गॉड। ओके, मास्क बनाने वाली कंपनी है लिविंग गॉड, और ये जो है सौरभ गांगुली वर्तमान में जो है बी सी सी आई के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, पी वी सिंधु को जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, और CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो जाएगा, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में, इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो सेवा और निष्ठा है। ओके, तो राइट आंसर हम ऑप्शन सी करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो भारतीय सेना इंडियन आर्मी के जो है ब्रांड एम्बेसडर है वो महेंद्र सिंह धोनी है। राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वरुण धवन, अनुष्का शर्मा या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, वरुण धवन एंड अनुष्का शर्मा दोनों को जो है कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और कौशल भारत अभियान की जो शुरुआत हुई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी, कब की गई थी? 15 जुलाई 2015 को जो है हुई थी इसकी शुरुआत। ओके, और इसका जो उद्देश्य है 2022 तक 40 करोड़ भारतीयों को ट्रेनिंग देना है ताकि वे अपना रोजगार जो है शुरू कर सके और जॉब को पा सके। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया की नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली, फिरूज खम्बता या रणवीर सिंह या आरोही सिन्हा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरूज खम्बता को जो है मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को जो हुई थी मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। और ये जो हुई थी मोदी के द्वारा जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो है, और इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो लोगो है वो शेर है। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे, अगर लोगो पूछे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तो इसका जो है लोगो क्या है, तो शेर हो जाएगा। इस कार्यक्रम का जो है लोगो शेर है। ओके, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरूज खम्बता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान या रणबीर कपूर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को जो है सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राहुल आहूजा को, विदेश्वर पाठक को, अक्षय कुमार को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को जो है स्वच्छ भारत मिशन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को जो है स्वच्छ भारत अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान एंड स्वच्छ भारत मिशन। तो यहाँ पे जो था मिशन अगर देता है तो वहाँ पे राइट आंसर जो होगा अक्षय कुमार हो जाएगा। अगर स्वच्छ भारत अभियान आ जाएगा, तो वहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अमिताभ बच्चन होगा राइट आंसर अभियान से। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा, कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पे जो होगा शिल्पा अग्रवाल, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय या आलिया भट्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिल्पा अग्रवाल। शिल्पा अग्रवाल को जो है फिट इंडिया मिशन की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप 2020 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, अमिताभ बच्चन है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अजय देवगन। अजय देवगन को जो आरोग्य सेतु ऐप 2020 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ रेल मिशन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए है अक्षय कुमार, ऑप्शन बी है विनेश्वर पाठक, ऑप्शन सी है विनीता फोगाट, ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विनेश्वर पाठक। विनेश्वर पाठक को जो है स्वच्छ रेल मिशन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रहे ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो भी इंपॉर्टेंट जो है और ब्रांड एम्बेसडर होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। ओके, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।